आरक्षण बिना कोई भूमिका के मिथिला समाज में अल्पसंख्यक समुदाय से मिथिला राज के मजबूत भरमाहक गुलफाम रहमानी जी के एक बेर जोरदार खबरी संग मंच पर स्वागत करी। गुलफाम रहमानी जी जो दरभंगा जिला के अली नगर से पहुंचाए थे। माता बहन से निवेदन है कृपा करके पाछू हो जाए। मीडिया बंधु, मीडिया आप लोगों से निवेदन है कि जिन लोगों को बाइक लेना है अगर जरूरी है तो आप लोग थोड़ा बाहर भी थोड़ा सा इस भीड़ से बाहर जाकर के भी बाइक ले सकते हैं। निवेदन है कृपा करके सहयोग करी। मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं गुलफाम रहमानी जी के। गुलफाम रहमानी जी अपने मंच पर आवे। आफ्ताब रानी जी मंच पर आवे। आफ्ताब रानी, आफ्ताब रानी अपने मंच पर आवे। अपन संबोधन के हमारे से बोलिए। नयिका प्रखंड अध्यक्ष है। इससे पहले दिल्ली सोशल मीडिया प्रभारी रह लिए। आपको बताइए दिल का ये कि मिथिला राज क्या जरूरी है हम लोगों के। हम लोगों के साथ थोड़ा रवैया अपने लिए अभी तक जो भी सरकार बन ले चाहे लालू प्रसाद हो चाहे नीतीश कुमार हो दोनों थोड़ा रवैया अपने लिए। हमारा क्षेत्र में अभी तक एक भी चीनी मिल चालू नहीं करवा के जबकि आजादी से पहले हमारे क्षेत्र में चीनी मिल चले जूट मिल चले सारा चीज चले लेकिन अभी तक एक भी चीनी मिल चालू नहीं चले गए। ये भी चालू पड़े छह एरिया के क्षेत्र के। अगर सरकार चाहते 7,000 करोड़ के नल जल योजना चल गए छोटो काम के नहीं चले। अगर 300 करोड़ के चीनी मिल में इन्वेस्ट कर देते ये भैया हम जैसा चीनी मिल जैसा चालू हो जाते। लेकिन सरकार हमारे दोनों भैया के साथ देखे थे इसलिए हम लोग जितना जल्दी हो सके जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सब जागरूक हो चाहिए। जितने लोग जितने जागरूक होते उतने सरकार के पास दबाव बनते उतने पैसे हम लोगों के बारे में सोचते। हम लोगों के लिए जितने भी हम लोग आस पास में कल कारखाना चाहिए जूट मिल चीनी मिल जितने भी सब कुछ है सबको चालू होना चाहिए। यही के लिए हम अपन खत्म करो। जय मिला बहुत धन्यवाद आस्था राही जी के। अरे ध्यान देवे हमारा लगे कि भीड़ एम्हर मत सिकरा रहा है। भीड़ के ध्यान मंच पर होके चाहिए जे भी